द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णा सोबती की लिखी कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए, शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था, लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वे कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहां नहाती आ रही है, कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे, अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआ भी आज नहीं चल रहा, यह शाजी की ही असामिया है। शानी ने नजर उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शानी किसी अपनत्व के मोह में फीक गई। यह सब शाजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया, हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसेना हसेना। शानी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वे सोच रहा था कि उस शानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि तभी शेरे शेरे। शेरा गुस्से से भर गया, किस पर निकाले अपना क्रोध, शानी पर, चीख कर बोला, एह मर गई, रब तेनु मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई क्यों सुबह सुबह। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी, प्यार से बोली, हसेना ये वक्त लड़ने का है, वे पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसेना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है, कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने। शाहनी ने लार से हसेना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी।
शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहानी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं शेरे। आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है, शाहानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है, शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हुसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज? आज शाहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता? यह हो के रहेगा, क्यों ना हो? हमारे ही भाई बंधु से सूद ले लेकर शाहनी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई, गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा, नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी, नहीं, शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वे सर्दियों की रातें कभी कभी शाजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले बेटा। शेरे ने शाहनी की झुरियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी चलो, तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है, शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा शाहनी को मारकर? शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी, शाहनी ने सिर ऊंचा किया, आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरे जानता है यह आग है, जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई, शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, ना जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई, हवेली खुली पड़ी थी। आज शाहनी नहीं उठ पा रही थी, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी, शाहनी शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी, हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवर्त वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी हमने तो कभी ना सोचा था।
शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। ये भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू वाल के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा था। धीरे से गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नू ऐही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे, बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है। क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दरवाजे तक जिसे शाहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ ना जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का पूरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन तक वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी, भागोवाल मसीद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज दाऊद ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? शाहनी आज सफुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस करके बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से नकदी प्यारी नहीं, यहीं की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि होना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में ना जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और ये मेरे ही अन पर पले हुए? नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहनी रो रो कर नहीं, मान से लांघेगी यह दहलीज।
जिस पर एक दिन में रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से पार हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढाप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों ना देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थीं। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भरी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस छूट नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे से कहा, रब तुआनू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका, राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगण चन्ना, तेरे भाग जागे मेरे बच्चे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़िया शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अंजल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहां जाएगी अब वह? शाहनी, मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है। शाहनी, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोबती जी की लिखी कहानी सिक्का बदल गया। यह कहानी बंटवारे की कहानी है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस समय लोगों के दिल में जो दर्द था, जो पीड़ा थी, वो इस कहानी में दिखाई गई है। वाकई में ही परिस्थितियां कभी किसी के लिए एक जैसी नहीं रहती। सिक्का बदल गया था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ
और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।